नमस्कार, सुनीतास किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत वाले लड्डू। आप व्रत में भी इसे बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए गुड़ के लड्डू। इसे हम तैयार करेंगे मूंगफली से और नारियल से। तो चलिए ये कैसे बनता है देखते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुड़ के लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही लाभदायक होता है। इसको हम मूंगफली से बनाएंगे और ये जो सूखी वाली गरी होती है उससे हम बनाएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं सबसे पहले किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हम ये मूंगफली लेंगे। ये रोस्टेड मूंगफली है। ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर ये आप नहीं लेते हैं तो आप वही छिलके वाली दाने भी ले सकते हैं और उसको कढ़ाई में भूनकर उसका छिलका उतारकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने बाजार से मंगाया है और ये छिलका उतरा हुआ ऐसे ही ये रोस्टेड है। एक गरी का गोला है, इसको हम काट कर टुकड़ों में काट कर और मिक्सी में इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बाजार से भी पाउडर ला सकते हैं। दो गुड़ लिया है और यहाँ पे थोड़े से हमने मखाने लिए हैं। मखाने को हमने काट लिया है और थोड़ा सा बादाम, काजू लिया है, इसको हमने टुकड़ों में काट लिया है और एक बड़ा चम्मच ये सौंठ पाउडर है। ये सौंठ पाउडर बहुत ही आसानी से मिल जाता है बाजार में। एक चम्मच ये इलायची पाउडर और एक चम्मच ये चिरौंजी है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद जो भी डालना चाहें डालकर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही डालें। ये देखिए, गरी को हमने इस तरह से टुकड़ों में काट कर मिक्सी में पीस लिया था तो ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से भी ये पाउडर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो बाजार से भी डेसिकेटेड पाउडर मिलता है, वो ले सकते हैं। और ये मूंगफली को हमने ये पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, इसको भी हमने मिक्सी में पीस लिया है। हमने पहले भी बताया आपको, मूंगफली को आप ऐसे ही कढ़ाई में रोस्ट कर छिलका उतार दें या छिलका ना भी उतारें तो भी ऐसे ही ठंडा कर मिक्सी में पीस लें और इस तरह से पाउडर आप तैयार कर लें। और ये दो गुड़ लिया है, इसको हमने ये देखिए इस तरह से तोड़कर रखा हुआ है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी बनकर तैयार हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। एगरी के लड्डू को हम जो है बहुत ही कम घी से तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच देसी घी डाला है और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है इसको हम भून लेंगे। ये देखिए, काजू को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ऐसे घी में भून लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स को हमने भून कर रख लिया है। अब जो नारियल है उसको भी हम भून लेते हैं। ये गरी को हमने भून लिया, निकाल लिया। ये देखिए, अच्छी तरह से ये भूनकर तैयार हो गया है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस दो ही मिनट लगेंगे। और ये मूंगफली को भी हम हल्का सा और भून लेते हैं। ये मूंगफली के पाउडर को भी हमने तैयार कर लिया है भूनकर। अच्छी तरह से ये भून गया है। अब हम सेम कढ़ाई में ये जो हमने गुड़ रखा था ये भी इसमें डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे। एक चम्मच इसमें हम देसी घी डाल देंगे। घी को हम अच्छी तरह से, गुड़ को अच्छी तरह से हम पिघला लेंगे। ये देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसकी चाशनी ये बनकर तैयार हो गई। देखिए, नीचे से कढ़ाई छोड़ दी है, ये चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब इसी में हम ये मूंगफली का पाउडर, ये गरी का पाउडर, ये सब इसी में हम डाल देंगे। सौंठ, हरी इलायची पाउडर ये भी इसी में डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें ये सब ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये लड्डू, आप अभी नवरात्रे आने वाली हैं, आप इस लड्डू को बनाकर रख लें और व्रत में इसे खा सकते हैं। आराम से आप पूरे 9 दिन इसको खाते रहें। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा हम लड्डू का पोर्शन लेंगे और इसे गोल गोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये लड्डू बनाकर आप तैयार कर लें। इसी तरह से सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। गुड़, मूंगफली और नारियल के ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। देखिए,
बहुत ही अच्छे से ये बने हैं, बनकर तैयार हो गए। इसको हमने सर्व कर लिया है और आप इसे जरूर बनाकर देखें। नवरात्रों में या किसी भी व्रत में आप इस लड्डू को बनाकर खा सकते हैं और इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होता है। आपने देख ही लिया जैगरी के लड्डू कैसे ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ये आसानी से ये बन जाता है और आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे तो आप निकालें और खाएं और इसे बनाकर रख लें और व्रत में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।